गुड थिंग ये है कि मुझे जॉब लग गई सर। पार्टी देंगे देंगे, मैं बहुत खुश हूँ सर। क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। ओके आप इंटरव्यू कैसे क्रैक किया बताइए। ओके मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। उस इंटरव्यू में 4 राउंड्स थे, 2 एफटीपी और 2 इंटरव्यूज थे। पहले तो अगर पी वो क्रैक हो गई, उसके बाद दूसरे दिन 2 इंटरव्यूज थे, बस एक टेक्निकल था, दूसरा एचआर था, दोनों भी भगवान की वजह से क्रैक हो गया। जो मेरा पहला इंटरव्यू था, जो टेक्निकल इंटरव्यू था, वो बहुत अच्छा गया सर। बहुत मतलब 99% मैंने स्टैमर नहीं किया, 99% ऑलमोस्ट। एक बार भी मतलब मेरे को तो याद ही नहीं मैंने स्टैमर किया था उसमें। और मेरा इतना अच्छा गया था, लगभग उन्होंने मेरे इसको 25 क्वेश्चंस पूछे थे। वो इंटरव्यू लगभग 50 मिनट्स के आसपास का होगा। और मैं और ना मेरे को खाली एक ही सवाल का जवाब नहीं आता था, और मैंने कॉन्फिडेंटली बोल दिया आई डोंट नो। और रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने डीप में, इतने डीप में जाके दिए कि मतलब बहुत अच्छे से दिए, वो भी खुश हो गया। और उसके बाद उन्होंने बोला वेरी वेरी गुड आफ्टर द इंटरव्यू। और सर एट द स्टार्ट ना उन्होंने बताया था, मतलब हमें ऐसे लगा था कि एक ही इंटरव्यू होने वाले हैं, मतलब एचआर नहीं होने वाला है। और फिर इंटरव्यू होने के बाद तो मैं बहुत खुश हो गया कि मैं हो गया। और फिर मैं खुशी से बाहर आ गया, मेरे भाई को मैंने फोन किया, यार अच्छा हो गया, मैं तो हो ही जाऊंगा, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, उन्होंने मेरे को वेरी गुड बोला। तो भाई भी खुश हो गया, आ गया। और ना रूम में बैठ गया मैं, मतलब जिस रूम में मैंने बैठा था ना उसी रूम में। और ना इंटरव्यू मेरा लास्ट इंटरव्यू मेरा था, 9:30 बजे मैं इंटरव्यू कंपनी में पहुंचा था, और 4:30 बजे मेरा नंबर आया। और लास्ट में मैं बैठा था तो फिर एक ना मैडम आई और फिर वो भी आके बैठ गई। और फिर उनके हाथ में कुछ एप्लीकेशंस वगैरह थी, मेरे को क्या लगा कि वो मतलब ऑपरेटर लेके आए कि मतलब सैलरी कितने एक्सपेक्ट करेंगे, वो सब उन्होंने पूछा भी मेरे को लगा यार ऐसा ही हो रहा है कुछ एप्लीकेशन वगैरह। फिर उन्होंने पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ इन शॉर्ट, फिर मैंने वो भी बोल दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि उसके बाद उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो इंटरव्यू हो रहा है शायद। और फिर ना उस वक्त तक वो बैग भी मेरा सब ऐसा ही था, और मैं ऐसे बैठा था बैग भी लेके। फिर मैंने उनको बोला वेट फॉर वन मिनट। फिर मैंने बैग उतारी, ठीक से रखी, और फिर एकदम कम्फर्टेबल बैठ गया। फिर एचआर भी दिया, एचआर शायद 20 मिनट के आसपास हुआ होगा, वो मतलब अबो एवरेज गया, इतना भी अच्छा नहीं गया, मतलब जितना टेक्निकल गया था उतना अच्छा नहीं गया एचआर ऑनेस्टली, लेकिन इट वॉज गुड। तो फिर उसके होने के बाद थोड़ा घबरा गया, यार क्या पता ये मतलब लास्ट तक आके कुछ होने जाए। और फिर 2 दिन बाद मेला गया यार सिलेक्टेड।